शिक्षादि की पुस्तक गुलिस्ता दूसरा अध्याय साधु की नीति दूसरी कहानी। मन नगोयम के तातम बपजीर कल में अकबर कुलाहम कश। यानी मेरा यह दावा नहीं है कि मैंने तेरी सेवा की है, इसलिए तुझे प्रसन्न होना चाहिए। मेरी तो यही प्रार्थना है कि तू मेरे पापों को क्षमा कर दे। मेरा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने एक फकीर को देखा कि वह मक्के के मंदिर की देहली पर माथा रखे रो रो कर कह रहा था कि हे क्षमावान दयालु परमेश्वर, आप जानते हो कि एक अज्ञानी और अन्यायी पापी मनुष्य से क्या हो सकता है कि जो वह आपको अर्पण करे। मेरे दुश्मनों के लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिए, क्योंकि मैंने जो कुछ धर्म का काम किया है, मैं उसके बदले का बिल्कुल हकदार नहीं हूँ। पापी लोग अपने पाप के लिए पश्चाताप करते हैं। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, उनसे यदि उपासना में किसी प्रकार का दोष हो जाता है, तो उसके लिए वे उससे माफी मांगते हैं। भक्त लोग अपनी भक्ति के पुरस्कार के प्रत्याशी रहते हैं, और सौदागर लोग अपने माल का मूल्य चाहते हैं। परंतु मैं सेवक हूँ, मैं आज्ञाकारिता नहीं वरन आशा लाया हूँ, और व्यापार करने नहीं वरन भिक्षा मांगने आया हूँ। तू अपनी योग्यता के अनुसार मुझसे व्यवहार कर, मेरी तपस्या के अनुसार मुझसे बर्ताव न कर। मेरा मुंह और सिर तेरी देहली पर है, तू चाहे माफ कर और चाहे कत्ल कर। आज्ञा करना तावेदार का काम नहीं है, तू जो आज्ञा करेगा मैं वही करूँगा। काबे के द्वार पर मैंने एक तपस्वी को देखा, वो चिल्ला चिल्ला कर रोता हुआ कह रहा था, मैं तुझसे यह प्रार्थना नहीं करता कि तू मेरी सेवा को ग्रहण कर, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे पापों पर क्षमा का कलम चला दे। कहानी से शिक्षा, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव एज डिवाइन। कहानी समाप्त।